ये तस्वीरें आपको सब्जी मंडी के पास जो गली है उसकी दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीवरेज का जो पानी है वो गली के अंदर आता है, क्योंकि सीवरेज फुल है, लेकिन साफ़ सफाई न होने की वजह से वो पानी यहाँ गली में खड़ा हो जाता है, जिस कारण जिसकी जो बदबू है उसकी बदबू से जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आसपास के जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें लगती हैं, जो यहाँ पूरा दिन काम करते हैं, इस जो बदबू में काम करने को मजबूर हैं। तो आइए जान लेते हैं इनसे कि किस तरह की समस्या है, कितने दिन से समस्या आ रही है, क्या कुछ इनका कहना है। हाँ जी, अच्छा जी, ये भीम, मेरा नाम भीम सिंह है जी, मेरा लकड़ी का काम है यहाँ जी, हम सारियाणी यहाँ काम करते हैं, बदबू मारती है, 15-20 दिन से तंग है जी, हम शिकायत भी लिखवाए उसमें प्रशासन में भी वहाँ कई बार, और कई आदमियों को कह भी लिया भी करवा दो ऐसा है। वहाँ पीछे सब्जी मंडी में जो वो मेन हॉल है वो बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल 15-20 दिन से जी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी हमारी, और यहाँ बदबू आ रहा है, ऐसा गंदा पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ बैठने पे मजबूर हो रहे हैं हम 15-20 दिन तक जी, हमारा ये समाधान कराया जाए। हमारी इस वजह से ये सारी गली भी टूट गई है, सारी गली में खड्डे हो गए 15-20 दिन, क्योंकि पानी आ रहा है और उसमें को साधन जा रहे हैं तो उसमें सारी गली भी टूट गई है जी हमारी। कृपा करके ये समाधान हमारा जो जो सफाई वाले हैं, जो मतलब कूड़ा वगैरह उठाते हैं या जो सीवरेज की सफाई करते हैं, कितने दिन में आते हैं वो? आते ही नहीं जी, यहाँ आते ही नहीं है। हाँ, एक दिन जी हमने स्पेशल बुलाए थे, वो 1,000 रुपये दिए, वो लगे कहने मार पे ये खुलता नहीं है। अच्छा। उन्होंने दिहाड़े पर एक 15 मतलब एक 2-1.5 घंटा उन्होंने दिहाड़े पर कह लगे कहने जी मारे से नहीं खुलता, ये बड़ी मशीन आएगी वो खोलेगी, और सब्जी मंडी का मेन हॉल है वो जी। इस गली में तो ये इसमें ओवरफ्लो के रिसाव मार रहा है, मेन हॉल वहाँ सब्जी मंडी से ही बंद हो रहा है जी। तो आसपास कितनी दुकानें हैं? आसपास तकरीबन 40 दुकानें हैं जी। अच्छा, हाँ, चार परेशान, सारी परेशान है। कहाँ करवाई आपने? ऐसा है जी, वहाँ लिखवा के आए थे हम पब्लिक हेल्थ में, वहाँ जो पेवा चौक है इनका हेडक्वार्टर, वहाँ लिखवा के आए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। नंबर भी है, नगर परिषद में गए हो आप? नगर परिषद में भी गए हैं जी हम। अच्छा, वहाँ भी, वहाँ भी नहीं कोई सुनता जी, सुनाई नहीं दे जी। प्लेन नंबर भी है जी, फोन कर चुके हैं। आप बताइए नाम आपका? विजय कुमार बंसल जी। क्या कुछ समस्या है? ये हमारी दुकान है जी, समस्या यही है, सीवरेज रुकया हुआ है, हम भी 25 दिन हो बहुत तंग बैठे हैं जी। हम सब अफसरों को जाए, कमेटी में जाए, कंप्लेन नंबर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। ना कोई सफाई आ रहा था पर। अच्छा, एक खड्डे सारी ब्लॉक टूटे पे है जो बदबू है, बदबू मारती है, दुकान मारती है, बुरी भी है, हमारी पिछली दुकान भी है, ये हमारी दुकान है, दुकान की फोटो ले सकते हो जी जी, बैठा नहीं जाता का जी जी, परेशानी होती है आने जाने वाले सारे जी जी। हाँ जी, आप बताइए, मेन गली है ये? देखो जी, ये मेरी दुकान है, बिल्कुल दुकान के सामने देख लो, अब सारा दिन मैं बैठने मजबूर हूँ जी। कुलदीप इंचार्ज है, उसको हम कंप्लेंट भी लिखवा चुके हैं, फोन भी कर चुके हैं जी, और एक्शन साहब को भी हम फोन कर चुके हैं कई बार जी। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचकुले भी कितने? पंचकुले हाँ जी, पंचकुले ही फोन कर चुके हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब ये जो ओवरफ्लो का पानी कितने दिन से? ये 20 दिन हो गए जी, कम से कम 20 दिन हो गए जी, 25 दिन, 20-25 दिन। मंडी के पीछे से सीवरेज लाइन जो ब्लॉक है, ओवरफ्लो हो गया, वो बैक मार रही है जी, मशीन उतर गई है, मशीन परेशान है। ये मेरी खाने फास्ट फूड का काम है मेरा, मान लो चाय पानी, कस्टमर को यही बैठना, यही खाना, यही पीना, बीमार होने वाली बात है। मशीन उतर गई हुई है ट्रेन में, जो आपका काम काज है उस पर भी असर पड़ा बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। सुबह आते हैं, शाम तक ऐसे बैठ के चले जाते हैं, बदबू में कौन बैठ के खाई पिएगा ये बताओ ना आप हमारे। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हम गए उनसे बात की, इंचार्ज से बोले जी वो ड्रेन की सफाई कर रही है, अब ड्रेन की सफाई की जरूरत है इस गली में, यहाँ से जो लाखों लोग गुजरते हैं, मंडी की मेन गली है, आज तक तो ये बनी भी नहीं है। शाम को भेजेंगे। हाँ जी, हमारी डिमांड है सरकार से भी, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और उसकी ऊपर सुनवाई करी जाए जी। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम महावीर प्रसाद है जी, डेयरी का काम है जी, हमारा दूध का काम है जी, और हम 20 दिन से बहुत परेशान है जी, सारा दिन यहाँ कस्टमर गिरते हैं जी रोड के ऊपर, और बदबू के मारे बैठना मुश्किल हो गया जी हमारा, और बीमारी फैलने का बहुत डर है जी। हाँ जी, और सारी दुकानदारी खराब हो गई है हमारी वजह से। अच्छा, तो कितने दिन से ये? 20 लगभग 20-25 दिनों से ये समस्या है जी। तो मतलब आप जाए आए? हाँ जी, हाँ, कई बार कंप्लेंट करी हमने, लेकिन नगर परिषद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो जी। तो क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहोगे आप? तो हम यही कहेंगे जी, ये मेन रोड है मंडी का, और जल्द से जल्द इसको साफ करवाया जाए जी, और प्रणाली को सीवरेज प्रणाली को चालू कराया जाए जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मंडी का मेन सीवरेज है, जिस कारण वो समस्या आ रही है, तो यहाँ से वो जो ज्वाइंट है जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीवरेज के पास ही कितना बड़ा गड्ढा है, जिस कारण
दुकानदारों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो सीवरेज की सफाई है वो होती होगी। आइए जान लेते हैं किस तरह की मतलब समस्या है ये यहाँ पे जो मेन होल है। ये कम से कम सर एक महीना हो गया ये इसको टूटते होगा, यहाँ पे रोज गड्डियाँ फंसती हैं। अच्छा। और आज भी दो लड़के इसके अंदर गिर गए, परसों भी दो लड़के इसके अंदर गिर गए। ये तो सुग्रह मौके पे हम खड़े थे, लड़के को पकड़ लिया था, बाहर निकाल दिया था। कम से कम एक महीना हो गया जिसको खड्डे को मतलब हुए हुए। तो मतलब सफाई बड़ा आता है कोई यहाँ पे? सफाई तो हो जाती है सर मंडी की। अच्छा। पर ये जो सीवर का मेन सोल्यूशन है इसका वो नहीं हल हो रहा अभी तक। हाँ जी हाँ जी। सब शिकायत वगैरह बताई है इसकी इसकी वहाँ पे एसडीओ के दफ्तर में दो तीन बार जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे करते हैं वो एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं हम दो तीन बार दिया है, पर अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। समाधान नहीं हुआ है? हाँ अभी तक कोई हल नहीं हुआ है जिसका। प्रशासन को इंतजार है, वो इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी बड़े हादसे का, भाई कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ घटे तब जाके प्रशासन जागे। अभी तक तो किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीछे भी हम दिखा चुके हैं और यहाँ तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाई है इस गड्ढे में जो ट्रक है वो धसा हुआ है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक धसा हुआ है। हाँ जी, कब की घटना है ये? संडे के इतवार की है। अच्छा, ये ट्रक था? ये ट्रक इसमें घुस गया जी। अच्छा, मंडी खाली हुआ है? इसमें लोड था, माल था, दिल्ली से माल आया था। अच्छा, भरी हुई मंडी थी, यहीं पे खाली हुई गड्ढी सारी। यहीं पे खाली होती है? हाँ जी। अब कहीं ना कहीं मतलब इसके बाद आपने रखे हैं ये भी? ये हमने रखे हैं। एक बंदा जो हमारा काम करने वाला गिर गया इसके अंदर। अच्छा। आज भी कहते मौके पर उसको बुला देते हैं अभी। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों ने समस्या रखी है आपने? हाँ रखी, एप्लीकेशन दे रखी दो। अच्छा, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई भी सुनाई नहीं हो रही अभी तक। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंडी में लोगों की समस्या है और किस तरह से जो लोग हैं इस समस्या को उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से भी बार बार अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जरा मंडी की तरफ भी ध्यान दें ताकि इनकी जो समस्या है सीवरेज वाली इसका समाधान हो सके। हालांकि ये जो इतना गड्ढा इन्होंने दिखाया कि इस गड्ढे से कहीं ना कहीं कोई भारी नुकसान है, अक्षति है, वो हो सकती है। जल्द ही प्रशासन इस ओर ध्यान दें और इस समस्या का समाधान करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके और प्रशासन है जो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर सके।